नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक्निकल एनालिसिस। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एंजल टेक्निकल एनालिसिस पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो आती रहेंगी, मिलती रहेंगी, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। मैं बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो दोस्तों, जैसा कल मैंने बताया था कि जब तक बैंक निफ्टी 30,500 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक इसमें कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आने वाली है। तो आज इसने जो है एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है, जो कि एक बियरिश साइन है। और दूसरा, मैंने बताया था कि जब तक बैंक निफ्टी 30,000 के नीचे ना ट्रेड करे, 30,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा तो हमको 29,500 और 29,000 के लेवल दिखा सकता है। और ऊपर की साइड में जब तक बैंक निफ्टी 30,500 के ऊपर नहीं सस्टेन नहीं करता, क्लोजिंग नहीं देता, तब तक जब क्लोजिंग देगा तब जाके कितना है ये, हाँ 31,000 और 31,500 के लेवल फिर दिखा सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारा स्टॉक्स है एक्सिस बैंक का। ये मैं चार्ट बड़ा कर देता हूं। तो एक्सिस बैंक, ये देखिए एक्सिस बैंक का ये लेवल था, ये रहा, तो सॉरी, हाँ एक्सिस बैंक जैसा मैंने बताया था कि जब तक ये एक्सिस बैंक जब 750 के ऊपर निकलेगा तब इसमें एक अच्छी मूवमेंट होगी। तो इसमें हमारा जो है पोजिशनल टारगेट जो है 765 रुपए का, और उसके बाद फिर जो है 788 रुपए का इसमें एक्सिस बैंक में इसका टारगेट है। अगला हमारा बैंक स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये देखिए, मैं चार्ट बड़ा कर देता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, ये देखिए ऊपर से जो एक ट्रेंड लाइन ये आ रही है, इसको इतने अच्छे से फॉलो कर रहा है और आज इसने जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ऊपर से इसको हम एक हैमर कैंडल कह सकते हैं। सेकंड जो है हमारा, ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ये रेजिस्टेंस ले रहा है। इसने जो है ट्रेंड लाइन को तो निकाल दिया है, बट अभी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन का अब इस पर रेजिस्टेंस है। अब कल अगर ये आज का जो हाई लगा है 103.75, मतलब आप 104 पे रख लीजिए, 104 पे का अगर ये हाई क्रॉस करता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 112 रुपए। अगला हमारा स्टॉक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में देखिए, ये सर एक हमारा यहां पर ही लेवल था, ये एक रेजिस्टेंस था, ये देखिए। तो आज फेडरल बैंक ने ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब 86.5 रुपए का लेवल क्रॉस करता है तो हम इसमें जो है टारगेट जो है हमें 90 रुपए 89 का टारगेट बताया था। तो इसने आज जो है हाई लगाया है 89.25 का जो हमारा टारगेट है वो इंट्राडे का अचीव कर लिया है। अगर कल भी ये इसी मूवमेंट इसी फ्लो में चले तो फिर हम इसमें अगला टारगेट जो है अपना 92 रुपीज फॉर इंट्राडे के लिए हमारा अगला टारगेट होगा 92 रुपीज। और अगला हमारा बैंक है एचडीएफसी बैंक। जैसा आप सबको पता है कि एचडीएफसी बैंक बैंकिंग स्टॉक में जो है नंबर वन का वेटेज रखता है। तो आज एचडीएफसी बैंक जो है बैंक निफ्टी को जो है ऊपर ले जाने में हेल्प नहीं कर पाया। तो ये जो है देखिए, ये जो है डेली अपने इसी लेवल पर डेली सस्टेन कर रहा है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आज 10 दिन से उसी लेवल पर सस्टेन कर रहा है। तो इसमें नजर बनाकर रखिए, अगर जब ये 1230 के नीचे अगर जब क्लोजिंग देगा तो इसमें एक बहुत तेज मूवमेंट होगी। 1230 के नीचे, 1230 के नीचे जो है इसमें काफी अच्छी मूवमेंट होगी। तो हमारा इसमें जो है 1230 के नीचे जब ये लेवल क्रॉस करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 1200 का और सेकंड टारगेट जो होगा वो 1185 रुपए का होगा। तो इसमें जो है नजर बनाकर रखिए। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है, मैं आपको दिखा देता हूं, नेक्स्ट स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक जो है बैंक निफ्टी में सेकंड नंबर का वेटेज रखता है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये वेटेज जानना भी बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन से बैंक हैं
जो ऊपर की तरफ चलेंगे तो बैंक निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ चलेंगे तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। तो बैंक निफ्टी में जो है सबसे पहले नंबर पर बैंक जो सबसे ज्यादा जिसका वेटेज है वो है HDFC बैंक, उसके बाद जो है ICICI बैंक, थर्ड नंबर पर है हमारा कोटक बैंक, और फोर्थ नंबर पे हमारा एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक, उसके बाद फिर इंडोसेंट बैंक, उसके बाद बाकी जो बैंक हैं वो तो 1% 2% की वेटेज रखते हैं, उसका कोई खास वो नहीं है। तो आपने जो है इन 6 बैंकों पर जो है अपना फोकस बनाकर रखना है। तो ये देखिए, मैंने जो है ICICI बैंक पे आपको बताया था कि यहाँ पर जो है ICICI बैंक यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, सॉरी यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। तो ये देखिए आज ICICI बैंक आज नेट यहीं से सपोर्ट लेकर जो है ऊपर की तरफ निकल गया। तो मैंने इसमें बताया था जो ये है प्रीवियस डे का जब ये हाई क्रॉस करेगा तो इसमें एक पोजिशन अपना इंट्राडे के लिए ट्रेड बनाया जा सकता है। तो ये देखिए जो अपना प्रीवियस डे का जो हाई था वो था 466 रुपये 95 पैसे, तो 466 रुपये 95 पैसे के बाद आज का जो हाई है 472 रुपये 30 पैसे। इसका मतलब जो है हमें 6 रुपए का जो है यहाँ पर बेनिफिट मिला है, कह सकते हैं कि 6 पॉइंट हमें मिले हैं। तो मतलब 6 पॉइंट नहीं भी मेरे दोस्तों, अगर आप एक मान के चलिए कि मान लीजिए 400 रुपए का स्टॉक है, अगर आपको वो 1% 4 रुपए भी देता है तो वो आपके लिए 1% होता है। 1% भी इंट्रा डे में बहुत होता है, 1% को कम समझिए और अपना टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहिए। ऐसा ना हो कहीं आप अपना प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट कर लें, आप जो है ग्रीन सिग्नल को आप रेड सिग्नल में कर लें, फिर आपको पता ना रेड सिग्नल में आने के बाद क्या होता है, रेड सिग्नल क्रॉस करने के बाद फिर सीधा चालान होता है, और आज के चालान भी बहुत महंगे हो गए हैं। और नेक्स्ट हमारा बैंक है IDFC बैंक। IDFC बैंक वैसे तो मैं फॉलो नहीं करता हूँ, बट मैं आपको फिर भी इसके बारे में जो है एनालिसिस करके बता देता हूँ। ये देखिए IDFC बैंक जो है, देखिए ये जो मैंने ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पर इसने जो है प्रीवियस डे को भी जो है एक ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी, और आज की डेट में भी इसने जो है शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। तो इसमें जो है नेक्स्ट डे जो है कल की डेट में अगर ये कल आज का लेवल जो ब्रेक करता है 43 रुपये 50 पैसे का, तो इसमें हमारा टारगेट 42 रुपये 80 पैसे और देन जो है 41 रुपये 75 पैसे का होगा। और अगर ये हाई क्रॉस करता है 45 रुपये 40 पैसे का, अगर ये हाई क्रॉस करता है तो इसमें हमारा जो है टारगेट रहेगा वो रहेगा 46 रुपये 30 पैसे। तो आप ये मत सोचिए कि मैं 1 रुपए का टारगेट दे रहा हूं, आप ये देखिए स्टॉक कितने का है, 46 रुपए का स्टॉक है। अगर मैं आपको 1 रुपए का टारगेट दे रहा हूं तो वो 2.25% और 2.5% हो जाता है। तो आप इसको परसेंटेज में लेके चलिए, ना कि इसको आप 1 रुपए और 2 रुपए में इसको लेके चलिए, ठीक है। किसी भी स्टॉक में आप जो है परसेंटेज वाइज जो है उसका प्रॉफिट और लॉस उसको चेक किया करिए, ना कि उसको रुपयों में चेक करें। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक जो है ये देखिए, यहाँ एक जो है ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ नेक्स्ट हमारे फ्यू आने वाले टाइम के लिए। ये है हमारा, तो ये देखिए मैंने जैसा कि इसमें बताया था प्रीवियस डे को जो है इसने अपना ये लेवल क्रॉस किया था, ये लेवल जो है प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस क्रॉस किया था। तो मैंने इसमें बोला था अगर ये जो है प्रीवियस हाई जो है निकालता है 1385 1386 रुपये, तब इसमें जो है पोजीशन बनाई जा सकती है। बट इसमें जो है हम देख रहे थे 5 मिनट के चार्ट में 1386 रुपये, ये जो है 1386 रुपये, कहाँ गया भाई, ये 1386 रुपये आ गया। तो इसमें जो है 1386 रुपये से इसने जो है हाई लगाया वो लगाया 1393, मतलब 6 से 7 रुपये। तो ठीक है, मतलब आधा परसेंट 1% आप प्रॉफिट बुक करें, अगर इसमें आपने आधा परसेंट भी प्रॉफिट इसमें अगर बना लिया होगा तो भी ठीक है, अदरवाइज उसको जो है उस लेवल के ऊपर सस्टेन होने दीजिए। सस्टेन होने के बाद फिर उसमें जो है अपना पोजीशन बनाइए, क्योंकि देखिए पैसे आपके हैं, मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि पैसे आपके हैं, बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है, पहले सीखिए उसके बाद फिर ट्रेड करिए। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो मैं इसको वन डे के चार्ट में कर देता हूँ। तो ये देखिए अब मैं इसको ट्रेंड लाइन को जो है डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है एक सपोर्ट लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए यही जो है हमारा नियर अबाउट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, ये हमारा
1550 रुपये से लेकर ये 1540 रुपये के बीच में एक सपोर्ट है। तो जब तक ये, वैसे देखिए काफी दिन से जैसे HDFC बैंक अपने उस लेवल पर सस्टेन कर रहा है, वैसे ये कोटक बैंक भी अपने लेवल पर सस्टेन कर रहा है। तो ये देखिए मैं जो है ऊपर से ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, तो इसमें आपने पोजीशन तब तक नहीं बनानी है जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर कर क्लोजिंग नहीं दे देता है। ठीक है दोस्तों, मैं कह रहा हूं इसे पोजीशन तब तक नहीं बनानी है जब तक कि ये कोटक महिंद्रा बैंक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है। और अगर इसमें कल को ये लेवल ब्रेक करता है 1550 के नीचे, अगर ये ट्रेडिंग करता है तो इसमें जो है 10 से 20 पॉइंट के लिए इसमें जो है इंट्राडे ट्रेडिंग की जा सकती है। आगे हमारा है पंजाब नेशनल बैंक, नीरव मोदी साहब। ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक जो है, ये देखिए यहाँ पर हमारा ये जो है रेजिस्टेंस लाइन जो है, जो ये जो पीछे से आ रही है, तो ये देखिए लेवल कितने अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। आप मैं आपको पहले भी आज बता चुका हूं कि आप जो है लेवल को ड्रॉ करना सीखिए। अगर आपको लेवल को ड्रॉ करना आ गया अच्छे सही तरीके से, तो फिर आपको शेयर मार्केट में पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट लेवल है, सेकंड मनी मैनेजमेंट है, और थर्ड है आपका माइंडसेट। ये तीन चीजें आप यकीनी बना लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मार्केट से बहुत अच्छे पैसे बनाकर जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो है मैं आपको चार्ट बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन को तो इसने यहाँ पर निकाल दिया है, और ट्रेंड लाइन निकालने के बाद ये जो प्रीवियस जो हाई है अब यहाँ पर जाके ये रेजिस्टेंस ले रहा है। और ये देखिए मुझको लगता है कि इस बार भी ये इसका निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इसने फिर एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दी है। इसमें जो है आइडियल सिचुएशन ये रहेगी अगर ये स्टॉक यहाँ से 1 या 2 दिन रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, और 65 रुपए का लेवल टेस्ट करने के बाद जब इसको क्रॉस करता है तब इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। अदरवाइज जो है इससे दूर ही रहे तो ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक ये लीजिए मैं तो ये देखिए सर आरबीएल बैंक, ये जो है हमने जो है मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ करके बताई थी, जो इसने ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया था। ट्रेंड लाइन ये देखिए, ये जो क्लोजिंग दी थी इसने, ये कैंडल देखिए, इसके बाद ये छोटी कैंडल जो बनी है 291 रुपये का इसका हाई लगाया था। तब मैंने बताया था 291 रुपये के बाद जैसे ये लेवल क्रॉस करता है तो आप इसमें इंट्राडे अपनी पोजिशन बना सकते हैं। तो 291 रुपये निकालने के बाद जो है इसने 325 रुपये, मतलब ये देखिए 25 और 9 जो है नियर अबाउट 34 रुपये का जो है मूवमेंट उसने एक दिन की कैंडल में दी है। सेकंड मैंने आपको ये बताया था, ये देखिए एक डाइवर्जेंस यहां पर बन रहा था। ये देखिए ये स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है, ध्यान से देखिए ये स्टॉक जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, और जो नीचे जो RSI है ये नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत होता है कि स्टॉक आने वाले दिनों में जो है ऊपर की तरफ अपनी तेजी बनाकर रखेगा, स्टॉक तेजी में रहने वाला है। तो मैं अभी ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया है। अब ये भाई साहब का काम आ गया है, ये देखिए अब मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको PNB में बताया कि जो है यहाँ से जब 1-2 कैंडल बनाने के बाद जब इसको क्रॉस करे तब इसको स्टॉक को लीजिए। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि जब ये 325 का हाई जैसे ही निकालता है, 325 का हाई निकालने के बाद आपने वेट करना है एक 5 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे, और जब उस कैंडल का हाई जब क्रॉस करता है तो आपने इमिजिएट उसमें ट्रेड ले लेना है। क्योंकि ट्रेड लेने के बाद जो है आप इसमें 3 रुपये 5 रुपये 6 रुपये कम से कम, तो इसमें आप 1% आधा परसेंट तो अपना प्रॉफिट मतलब लेके ही निकलिए, आधा परसेंट आपका प्रॉफिट वहां पे आता है। आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पर, उसके बाद जो है स्टॉक में बने रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1% लिया और निकल गए, जब स्टॉक आपको दे रहा है तो आप लीजिए ना, क्यों उसको छोड़ के जा रहे हैं। स्टॉक देता है उसको जरूर लीजिए, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। और वैसे इसमें जो है 325 का लेवल निकालने के बाद हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट जो है वो एक तो ये हमारा निकल के आ रहा है 360 रुपये, मैं एक पोजीशन की बात कर रहा हूँ, 360 रुपये, और उसके बाद फिर 400 रुपये। तो ये अगर आप इंट्राडे में लेना चाहें तो इंट्राडे में मैंने आपको बता दिया अपना तरीका जो है ट्रेड करने का, कैसे जो है छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहिए, छोटे छोटे लॉस बुक करते रहिए, और जो है टर्मिनल आपको हमेशा ग्रीन में क्लोज करना है, ये चीज़ का ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये देखिए जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से देखिए जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और आपको बताया था कि इस ये जो है यहाँ पर भी ये 3-4 दिन से ये सस्टेन कर रहा था। तो जैसे इस लेवल को निकाला था इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो मैंने आपको बताया था जैसे इस क्लोजिंग के ऊपर ये अगले दिन ट्रेड करता है तो इसमें पोजीशन बनाइए। और 290 रुपये से देखिए इसने कितने का हाई लगा दिया था, 318 रुपये का।
तो अब ये देखिए, अब फिर जो है ट्रेंड लाइन के बाद अब हमारा जो है रेजिस्टेंस लाइन का जो है अब काम आ गया है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है इसने आज एक रेड कैंडल दी है। तो अगर कल जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर 309 के नीचे ट्रेड करता है तो इसमें जो है 300 रुपये के लिए जो है ट्रेडिंग की जा सकती है। और अगर ये आज का हाई क्रॉस करता है, आज का हाई जो है 319 रुपये है, आज का हाई क्रॉस करता है तो इसमें जो है आप इसमें 322 मतलब 3 रुपये के लिए 322, और देन जो है आप इसमें 331 के लिए आप इसमें जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो स्टॉक है दैट इज यस बैंक। यस बैंक इज ऑल्सो प्लेसिंग ए वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न। तो ये देखिए यस बैंक ने भी अब थोड़ा धमाल मचाना चालू किया है। मुझको लगता है कि ये ट्रेडर्स को कुछ पैसे कमा के देगा, इंट्राडे ट्रेडिंग वालों को, मैं पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिए यस बैंक ने जो है परसों जो है अपना प्रेवियस टू प्रेवियस डे जो एक अच्छी कैंडल बनाई थी, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बना दी। तो आज जो है ये देखिए जो मैंने नीचे सपोर्ट लाइन ड्रॉ की हुई है, तो सपोर्ट लाइन पे आज फिर इसने जो है नीचे की तरफ आकर यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो अभी इसमें जो है ट्रेडिंग इसमें ना करें तो ही अच्छा है, इसे अभी दूर रहिए। बाकी जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं, जो लेवल बताए हैं, वो उस पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है लेवल को मतलब जो है अच्छे से ड्रॉ करना सीखिए। जैसे आप अच्छा लेवल ड्रॉ करना सीख गए तो नेचुरली आपको प्रॉफिट आने लग जाएगा। और मेरे नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि मैं इस पर जो है एजुकेशनल वीडियो लाता रहूंगा और मैं इसमें जो है ऑप्शन की सीरीज भी चालू करने वाला हूं। तो इसलिए जो है मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है दोस्तों, गुड बाय, शब्बा खैर।